डेडलॉक प्रिवेंशन आज के लेक्चर में हम स्टडी करेंगे। जैसे कि हम लास्ट लेक्चर में डेडलॉक हैंडल करने के हमने मेथड्स जो हैं वो स्टडी किए थे। देयर आर थ्री वेज टू हैंडल द डेडलॉक। सो उनमें से एक मेथड जो है डेडलॉक प्रिवेंशन और अवॉइडनेस है। लेट्स सी कि डेडलॉक प्रिवेंशन जो है वो कैसे की जा सकती है। बेसिकली डेडलॉक जो है उस अगर चार कंडीशंस साइमल्टेनियसली एग्जिस्ट करती हों सिस्टम के अंदर, दैट्स मीन के सिस्टम इंटर इनटू द डेडलॉक स्टेट। सो अगर हम इनमें से एटलीस्ट वन जो नेसेसरी कंडीशन है अगर वो सेटिस्फाइड ना हो तो हम सिस्टम को जो है वो डेडलॉक स्टेट में डेडलॉक से प्रिवेंट कर सकते हैं। सो सर्कुलर वेट जो है दैट इज़ द फोर्थ कंडीशन कैन बी प्रिवेंटेड दैट इज़ नॉट सेटिस्फाइड। द थ्री कंडीशंस और जो है बाकी जो तीन कंडीशन हैं फॉर द पॉसिबिलिटी ऑफ डेटर आर ऑलवेज सेटिस्फाइड इन कॉन्टेम्प्रेरी ऑपरेटिंग सिस्टम इन्वायरमेंट। सो तीन कंडीशंस तो एग्जिस्ट करती होंगी बट एक कंडीशन जो सर्कुलर वेट है इसको हम प्रिवेंट कर सकते हैं या ब्रेक कर सकते हैं। सो इसकी एग्जांपल इसी तरह है कि इफ़ वी सिमुलेट डेडलॉक विद अ टेबल, टेबल के साथ अगर हम इसकी एग्जांपल को कंसीडर करें विच इज़ स्टैंडिंग ऑन इट्स फोर लेग, देन वी कैन सिमुलेट फोर लेग विद फोर कंडीशंस। इट्स मीन के हम ये जो फोर लेग्स टेबल्स की जो हैं उसको फोर कंडीशन कंसीडर करें विच वैन अकर साइमल्टेनियसली कॉज द डेडलॉक। सो अगर हम एक लेग जो है वो ब्रेक कर दें तो टेबल जो है दैट विल बी अ फॉल डेफिनेटली, ये टेबल जो है वो खड़ा नहीं रहेगा, गिर जाएगा। तो सेम अगर हम इसी सिनेरियो को अगर हम डेडलॉक पे इंप्लीमेंट करें सो वी कैन एबल टू वायलेट वन ऑफ द फोर नेसेसरी कंडीशन टू नॉट लेट देम अगर टुगेदर। तमाम की तमाम चारों कंडीशन अगर इकट्ठी जो हैं वो ना एग्जिस्ट करें देन हम सिस्टम को प्रिवेंट कर सकते हैं। सो फॉर डेडलॉक टू अकर ईच ऑफ द फोर कंडीशन मस्ट होल्ड, चारों कंडीशन का होना मस्ट है। बाय इंश्योरिंग दैट एटलीस्ट वन ऑफ दीज कंडीशन कैन नॉट होल्ड वी कैन प्रिवेंट द अकरेंस ऑफ डेडलॉक। सो चार में से किसी एक कंडीशंस को हम जो है अगर ब्रेक कर देते हैं वो एग्जिस्ट ना करें सिस्टम के अंदर देन हम डेडलॉक को प्रिवेंट कर सकते हैं। वी एलाबोरेट ऑफ दिस अप्रोच बाय एग्जामिनिंग ईच ऑफ द फोर नेसेसरी कंडीशन सेपरेटली। हम इन चारों कंडीशंस को वन बाय वन देखते हैं और एग्जाम करते हैं कि हाउ इज़ इट पॉसिबल। सो फर्स्ट वन इज़ ए म्यूचुअल एक्सक्लूजन कंडीशन है। म्यूचुअल एक्सक्लूजन कंडीशन मस्ट द म्यूचुअल कंडीशन मस्ट होल्ड दैट इज़ एटलीस्ट वन रिसोर्स मस्ट बी अ नॉन शेयरएबल। सो दैट इज़ द फर्स्ट कंडीशन जिसमें कहा जा रहा है कि अगर म्यूचुअल कंडीशन जो है वो मस्ट बी अ होल्ड अगर इनमें से एक रिसोर्स भी नॉन शेयरएबल ना हो, यानी कि शेयरएबल मोड में ना हो। तो बेसिकली जो शेयरएबल रिसोर्सेज हैं उनके साथ तो डेडलॉक की सिचुएशन जो है वो क्रिएट हो ही नहीं सकती। दैट सिस्टम जो है नॉन शेयरएबल जो है वो डेडलॉक्स को जो है डेडलॉक सिचुएशन को क्रिएट ही नहीं करते जो कि जो शेयरेबल रिसोर्सेज हैं। सो नॉन शेयरेबल रिसोर्सेज जो है विच वन ऑफ द रीज़न जिसकी वजह से सिस्टम जो है वो डेडलॉक स्टेटस में जो है वो इंटर होता है। सो शेयरेबल रिसोर्सेज इन कंट्रास्ट डू नॉट रिक्वायर म्यूचुअल एक्सक्लूजन एक्सेस एंड देन कैन नॉट बी इन्वॉल्व इन अ डेडलॉक। तो शेयरेबल रिसोर्सेज जैसे अभी मैं कह चुका हूँ कि वो म्यूचुअल एक्सक्लूजन उनमें रिक्वायर्ड नहीं होती और वो डेडलॉक में भी इन्वॉल्व नहीं होते। इट्स मीन के शेयरेबल रिसोर्सेज जो हैं वो उनकी वजह से डेडलॉक सिचुएशन क्रिएट नहीं हो सकती बिकॉज म्यूचुअल एक्सक्लूजन कंडीशन जो है वो एग्जिस्ट नहीं करती। सो लेट्स सी के रीड ओनली फाइल्स जो है उसकी एक एग्जांपल हम देखते हैं कि कैसे जो है शेयरेबल रिसोर्सेज जो हैं वो अवॉइड करते हैं या उनकी वजह से सिस्टम जो है वो डेडलॉक स्टेटस में इंटर नहीं होता। फॉर एग्जांपल रीड ओनली फाइल्स आर द गुड एग्जांपल ऑफ शेयरेबल रिसोर्सेज। इफ सेवरल प्रोसेस अटेम्प्ट टू ओपन अ रीड ओनली फाइल एट द सेम टाइम दे कैन बी ग्रांटेड साइमल्टेनियसली एक्सेस टू द फाइल। तो शेयरेबल फाइल है इट्स मीन
करके आप उसको जो है एक्सेस दे सकते हैं, मल्टीपल प्रोसेस जो हैं, सेवरल प्रोसेस जो हैं वो साइमल्टेनियसली उस फाइल को एक्सेस कर सकते हैं। सो देयर इज़ नो इशू म्यूचुअल एक्सक्लूजन की, कोई जो है वो कंडीशन एग्जिस्ट ही नहीं करती होगी, बिकॉज एवरी प्रोसेस कैन एक्सेस और सिस्टम जो है वो कभी डेडलॉक स्टेटमेंट नहीं होगा, क्योंकि ये वायलेट नहीं कर रहा म्यूचुअल एक्सक्लूजन की कंडीशन की। सो इन जनरल हाउएवर वी कैन नॉट प्रिवेंट द डेडलॉक बाय डिनाइंग द म्यूचुअल एक्सक्लूजन कंडीशन बिकॉज सम रिसोर्सेस आर बेसिकली नॉन शेयरेबल। लेकिन हम म्यूचुअल एक्सक्लूजन कंडीशन को डिनॉय या इग्नोर नहीं कर सकते बेसिकली, क्योंकि कुछ रिसोर्सेज ऐसी हैं जो बेसिकली नॉन शेयरेबल मोड में होती हैं और उनको शेयरेबल नहीं किया जा सकता। सो इट्स मीन कि दैट इज़ बेसिकली नेचर वाइज जो है नॉन शेयरेबल है। सो ड्यू टू दैट नेचर ऑफ नॉन शेयरेबल, सो दैट म्यूचुअल एक्सक्लूजन कंडीशन मस्ट बी एग्जिस्ट देयर। सो आई म्यूचुअल कंडीशन मस्ट बी एग्जिस्ट, इट्स मीन के सिस्टम कैन इंटर इनटू अ डेडलॉक स्टेट। अगर हम म्यूचुअल एक्सक्लूजन को रिमूव करने की बात करते हैं, तो अगर हम प्रैक्टिकली एग्जांपल में अगर हम प्रिंटर एक डिवाइस है इसकी एग्जांपल लें, तो वहाँ पे एक स्पूलिंग वर्क करता है। स्पूलिंग जो है वो बेसिकली मेमोरी होती है प्रिंटर के साथ एसोसिएट होती है, जहाँ पे प्रिंटिंग जॉब्स जो प्रिंटर को हम प्रिंट सेंड करते हैं दैट आर स्टोर जो है वो प्रोसेस वहाँ पे स्टोर हो रहते हैं। प्रिंटर जो है वो कलेक्ट करता है तमाम जॉब्स को और फिर प्रिंट करता है हर एक को, हर एक प्रोसेस के जॉब को वो प्रिंट करता है फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व के। तो इस मैकेनिज्म के थ्रू द प्रोसेस डू नॉट हैव टू वेट फॉर द प्रिंटर, उसको वेट नहीं करना पड़ता और वो अपना कंटिन्यू करता है, वो प्रिंट की कमांड दे दी और उसके बाद वो नेक्स्ट अपना टास्क जो है वो परफॉर्म कर रहा होता है और प्रिंटर जो है वो उसको कलेक्ट करके बाद में उसका आउटपुट जो है वो प्रोड्यूस कर रहा है। तो स्पूलिंग जो है वो एक इफेक्टिव अप्रोच है जो कि वायलेट म्यूचुअल एक्सक्लूजन को करता है। बट यहाँ पे दो तरह के प्रॉब्लम्स होते हैं अगर हम स्कूलिंग को इम्प्लीमेंट करें। क्यों फर्स्ट वन ये है कि हम इसको हर रिसोर्सेज के ऊपर स्कूलिंग को अप्लाई भी नहीं कर सकते, यानी कि तमाम रिसोर्सेज जो हैं तमाम सोर्स जो है रिसोर्स वो स्कूलिंग को सपोर्ट भी नहीं करते। और दूसरी एक सेकंड जो इसमें कॉन्स्ट्रेंट या लिमिटेशन वो ये है कि यहाँ पे सम टाइम जो है तो रेस कंडीशन जो है वो अराइज हो जाती है। प्रोसेस जो है वो कोशिश करते हैं गेट द स्पेस इन द स्पूल, लेकिन वो आफ्टर सम टाइम इट्स मीन के स्पेस एक ख़ास पीरियड के बाद जब स्पेस जो है फिलअप हो जाती है, तो प्रोसेस जो आउटपुट या प्रिंटिंग के लिए जो है आउटपुट सेंड कर रहे होते हैं प्रिंटर को, उनके दरमियान में रेस कंडीशन जो है वो राइज हो जाती है और हर एक प्रोसेस जो है वो ट्राई कर रहा होता है टू गेट द स्पेस इन दैट पोल। सो इस तरह हम ये कह सकते हैं वी कैन नॉट वायलेट द म्यूचुअल एक्सक्लूजन फॉर अ प्रोसेस प्रैक्टिकली। तो प्रैक्टिकली जो है म्यूचुअल एक्सक्लूजन कंडीशन जो है वो पॉसिबल नहीं है कि हम म्यूचुअल एक्सक्लूजन को जो है उसको वायलेट करें, क्योंकि बास प्रोसेस जो है रिसोर्सेज जो है वो नेचुरली जो है सम टाइम जो है वो कैन नॉट बी यूज बाय मोर देन वन प्रोसेस एट द सेम टाइम। सो वी कैन नॉट वायलेट द म्यूचुअल एक्सक्लूजन फॉर अ प्रोसेस प्रैक्टिकली। सो नेक्स्ट कंडीशन जो है दैट इज़ होल्ड एंड वेट कंडीशन। टू इंश्योर दैट होल्ड एंड वेट कंडीशन नेवर अकर इन ए सिस्टम, वी मस्ट गारंटी दैट वैन एवर प्रोसेस रिक्वेस्ट अ रिसोर्सेज इस डज नॉट होल्ड एनी अदर रिसोर्सेज। इट्स मीन के जब प्रोसेस जो है होल्ड एंड वेट कंडीशन क्या करते हैं कि हम इस चीज़ को मेक श्योर करें कि जब प्रोसेस रिक्वेस्ट करे किसी रिसोर्स की, उस सूरत में उसके पास कोई दूसरा रिसोर्स जो है वो उसने होल्ड ना किया हो। इट्स मीन कि जब भी उसकी रिक्वेस्ट जनरेट हो तो उस सूरत में उसके पास ऑलरेडी कोई जो है रिसोर्सेज उसने ऑक्यूपाइड ना किए हों या होल्ड ना किए हों। इट मस्ट बी अ फ्री,
then it generate its request. So that is hold and wait condition. तो इसके लिए जो है one protocol that we can use required each process to request and be allocated all its resources before it begins execution. पहला जो इसमें way या method या protocol जो use होता है कि जब भी process जो है वो request करे और उसको किसी भी resource की तो उसको चाहिए कि उसको तमाम के तमाम रिसोर्सेज को एलोकेट कर दिए जाएं उसकी एग्जीक्यूशन स्टार्ट होने से पहले. इट्स मीन वी यूज़ रिक्वायर्ड ईच प्रोसेस टू रिक्वेस्ट, यानी कि प्रोसेस जो है वो रिक्वेस्ट करें और बी एलोकेटेड ऑल इट्स रिसोर्सेज बिफोर इट बिगिंस इट्स एग्जीक्यूशन, और उसकी एग्जीक्यूशन स्टार्ट होने से पहले उसको वो रिसोर्सेज जो हैं वो एलोकेट कर दिए जाएँ. वी कैन इम्प्लीमेंट दिस प्रोविजन बाई रिक्वायरिंग दैट सिस्टम कॉल रिक्वेस्टिंग द रिसोर्सेज फॉर ऑल प्रोसेस प्रिसीड और अदर सिस्टम कॉल. बट हम ये उस सूरत में ही इम्प्लीमेंट कर सकते हैं कि इस प्रोसेस जो है वो सिस्टम कॉल जो उसने रिक्वेस्ट करनी है इन फ्यूचर वो तमाम की तमाम सिस्टम कॉल जो है वो पहले जो है वो जनरेट कर दे. इट्स मीन कि पहले ही सिस्टम जो है वो इंटीमेट कर दे उसको जो जो रिसोर्सेज रिक्वायर्ड है और जो उसने यूज़ करनी है. सो दैट इज़ फर्स्ट प्रोटोकॉल. एंड अल्टरनेटिव प्रोटोकॉल जो है अलाउ द प्रोसेस टू रिक्वेस्ट द रिसोर्सेज ओनली व्हेन इट हैज़ नन. दूसरा जो प्रोटोकॉल जो कि यूज़ किया जा सकता है कि प्रोसेस जो है वो रिक्वेस्ट करे रिसोर्सेज की जब उसके पास कोई दूसरा रिसोर्सेज ना मौजूद हो. अब प्रोसेस में रिक्वेस्ट सम रिसोर्सेज एंड यूज़ देम, प्रोसेस जो है वो रिक्वेस्ट करे और रिसोर्सेज की और उसको यूज़ करे. बिफोर इट कैन रिक्वेस्ट एन एडिशनल रिसोर्सेज इट मस्ट रिलीज़ ऑल द रिसोर्सेज दैट इट इज़ करंटली एलोकेटेड. तो पहले जो वो रिसोर्सेज एडिशनल अगर उसको रिसोर्सेज चाहिए ऑलरेडी वो यूज़ कर रहा था और उसने उनको यूज़ कर लिया रिसोर्सेज को, अब एडिशनल अगर उसको रिसोर्सेज रिक्वायर्ड हैं तो वो फर्स्ट ऑफ ऑल जो पहली रिसोर्सेज जो वो यूटिलाइज कर रहा था दैट मस्ट बी अ रिलीज़ ऑल रिसोर्सेज, उन तमाम रिसोर्सेज को पहले वो जो है वो रिलीज़ करे फिर उसको एडिशनल जो रिसोर्सेज रिक्वायर्ड हैं वो एलोकेट करें. तो लेट्स सी कि हम एक एग्जांपल देखते हैं और देखते हैं कि कैसे इसको हम एलैबोरेट करते हैं या डिस्क्राइब करते हैं. टू एलिस्ट्रेट द डिफरेंस बिटवीन टू प्रोटोकॉल, बिटवीन दीज टू प्रोटोकॉल वी कंसीडर अ प्रोसेस दैट कॉपी अ डाटा फ्रॉम डीवीडी ड्राइव टू फाइल डिस्क एंड सॉर्ट द फाइल एंड देन प्रिंट द रिजल्ट टू अ प्रिंटर. अब हमारे पास दोनों प्रोटोकॉल्स को हम उनके दरमियान में जो डिफरेंस है उसको देखते हैं एग्जांपल के थ्रू. एक प्रोसेस जो है उसने डाटा कॉपी करना है डीवीडी से फाइल के ऊपर, फाइल से डीवीडी ड्राइव से फाइल पे डिस्क के ऊपर, और फिर उसको उसने सॉर्ट करना है और सॉर्ट करने के बाद उसको सेंड करना है किसके ऊपर, प्रिंटर के ऊपर. फर्स्ट ऑफ ऑल उसने जो है डाटा जो है वो कॉपी किया डिस्क के ऊपर, उसको सॉर्ट किया एंड देन उसको उसने सेंड किया प्रिंटर के ऊपर ताकि प्रिंट आउट निकले. सो दैट इज़ टास्क जो कि एक प्रोसेस ने परफॉर्म करना है. इफ़ ऑल रिसोर्सेज मस्ट बी रिक्वेस्टेड एट द बिगिनिंग ऑफ द प्रोसेस देन द प्रोसेस मस्ट इनिशियली रिक्वेस्ट द डीवीडी ड्राइव, डिस्क ड्राइव एंड प्रिंटर. अगर हम पहले प्रोटोकॉल को देखें तो पहले प्रोटोकॉल में हमने जो हम पढ़ा था वो ये स्टडी किया था कि फर्स्ट ऑफ ऑल के जिस प्रोसेस को जितने रिसोर्सेज रिक्वायर्ड है दैट मस्ट बी अ डिक्लेयर और रिक्वेस्ट बिफोर स्टार्टिंग इट्स एग्जीक्यूशन. सो उसको डीवीडी ड्राइव, डिस्क और प्रिंटर रिक्वायर्ड है तो वो तमाम रिसोर्सेज उसने बिगनिंग में उसको इनिशियली जो है उसने रिक्वेस्ट की और उसको एलोकेट किया जाएगा. इट विल होल्ड द प्रिंटर फॉर इट्स इंटायर एग्जीक्यूशन इवन इट्स नीड्स द प्रिंटर ओनली एट द एंड. अगर हम देखें तो पहले उसने फाइल को कॉपी करना है ड्राइव के ऊपर या डिस्क के ऊपर, फिर उसको सॉर्ट करना है और उसके बाद फिर उसने प्रिंट पर भेजना है. लेकिन इस तमाम पीरियड के दौरान प्रोसेस ने तमाम रिसोर्सेज पहले रिक्वेस्ट की थी, उसको पहले एलोकेट कर दी गई थी. इट्स मीन कि वो प्रिंटर उसको एंड पे यूज़ करना है लेकिन उसने पूरी एग्जीक्यूशन के दरमियान प्रिंटर को होल्ड किया हुआ है. तो इट्स मीन कि उसके पास वो प्रिंटर तमाम एग्जीक्यूशन के दौरान उसके पास होल्ड किया हुआ मौजूद था. तो सेकंड मेथड जो था वो क्या है जी, अलाउ द सेकंड मेथड अलाउ द प्रोसेस टू रिक्वेस्ट इनिशियली ओनली डीवीडी ड्राइव एंड डिस्क फाइल, यानी कि दो रिसोर्सेज उसने पहले रिक्वेस्ट किए. इट कॉपी द इट कॉपीज फ्रॉम द डीवीडी ड्राइव टू द डिस्क एंड देन रिलीज बोथ द डीवीडी ड्राइव एंड द डिस्क फाइल.
सेकंड मेथड में हमने ये स्टडी किया था कि प्रोसेस जो है वो रिक्वेस्ट करेगा, जो रिसोर्सेज उसको रिक्वायर्ड हैं उसको यूज़ करने के बाद अगर उसको एडिशनल रिसोर्सेज रिक्वायर्ड हैं देन इट विल मस्ट रिलीज द बिफोर जो रिसोर्सेज उसने होल्ड किए हुए हैं उनको रिलीज़ करेगा, देन उसको नेक्स्ट रिसोर्सेज जो है वो एलोकेट की जाएंगे। तो इसने पहले इन दोनों रिसोर्सेज को होल्ड किया और डाटा को कॉपी किया। अब द प्रोसेस मस्ट देन रिक्वेस्ट द डिस्क फाइल एंड द प्रिंटर। अब उसको डिस्क फाइल और प्रिंटर चाहिए। आफ्टर कॉपिंग द डिस्क फाइल टू द प्रिंटर इट रिलीज दीज टू रिसोर्सेज एंड टर्मिनेट्स। अब इन दोनों रिसोर्सेज को उसने रिलीज़ करना है और रिलीज़ करने के बाद उसने दोबारा रिक्वेस्ट करनी है डिस्क की और प्रिंटर की, और देन वो जो है फाइल प्रिंटर के ऊपर उसने कॉपी करने के लिए सेंड किया। तो दैट इज़ सेकंड प्रोटोकॉल जिसमें हमने देखा कि प्रोसेस जो है वो रिसोर्सेज यूज़ करेगा और जब उसको एडिशनल रिसोर्सेज रिक्वायर्ड हैं तो वो पहली वाली रिसोर्सेज को फ्री करेगा एंड देन उसको आगे जो है दूसरी रिसोर्सेज एलोकेट किए जाएंगे। तो इसके डिसएडवांटेजेस क्या हैं दोनों प्रोटोकॉल के? बोथ दीज प्रोटोकॉल हैव टू मेन डिसएडवांटेजेस। फर्स्ट, रिसोर्स यूटिलाइजेशन मे बी लो सिंस रिसोर्सेज मे बी एलोकेटेड बट अनयूज फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। इसका मतलब है कि रिसोर्सेज जिस तरह प्रिंटर पूरी इंटायर एग्जीक्यूशन में उसने होल्ड किया हुआ है लेकिन एंड पे उसने यूज़ करना है तो रिसोर्सेज की यूटिलाइजेशन जो है दैट इज़ लो। ये पहला डिसएडवांटेज है। फॉर इंस्टांस वी कैन रिलीज द DVD ड्राइव एंड डिस्क फाइल and then request the disk file and printer only if we cannot show that our data will remain on the disk file. तो दूसरा जो था फॉर एग्जाम्पल हमने DVD से फाइल कॉपी की डिस्क ड्राइव की और फिर हमने डिस्क फाइल और प्रिंटर की रिक्वेस्ट की, लेकिन हमें ये मेक श्योर करना चाहिए कि हमारा डाटा जो है वो हार्ड डिस्क के ऊपर अवेलेबल हो या डिस्क के ऊपर अवेलेबल हो, देन हम जो है दो रिसोर्सेज जो हमें बाद में रिक्वायर्ड हैं उनको हम यूज़ कर पाएंगे। सो अदरवाइज वी मस्ट रिक्वेस्ट ऑल रिक्वेस्ट एट द बिगनिंग फॉर द बोथ प्रोटोकॉल। नहीं तो अदरवाइज हमें तमाम रिसोर्सेज की रिक्वेस्ट जो है वो पहले करनी पड़ेंगी दोनों प्रोटोकॉल्स के अंदर। एंड सेकंड, स्टारवेशन इज़ पॉसिबल। अ प्रोसेस दैट नीड सेवरल पॉपुलर रिसोर्सेज मे हैव टू वेट इनडेफिनेटली बिकॉज एट लीस्ट वन ऑफ द रिसोर्सेज दैट इट नीड इज़ ऑलवेज एलोकेटेड टू सम अदर प्रोसेस। स्टारवेशन की सिचुएशन क्रिएट हो सकती है क्योंकि एक प्रोसेस को जो पॉपुलर रिसोर्सेज जो रिक्वायर्ड है वो बेसिकली पॉपुलर रिसोर्सेज जो है वो एक ऑलवेज ऑक्यूपाइड बाई द अदर प्रोसेस जो है कि तमाम दूसरे प्रोसेस को एलोकेट किए हुए होंगे। इट्स मीन के पॉपुलर प्रोसेस जो है दैट आर होल्ड बाई सम अदर रिसोर्सेज और वो प्रोसेस जो रिक्वेस्ट कर रहा है वो एक स्टारवेशन की कंडीशन के अंदर चला गया, उसको वेट करना पड़ रहा है इनडेफिनेटली बिकॉज पॉपुलर रिसोर्सेज जो हैं दैट इज़ होल्ड बाय सम अदर रिसोर्सेज। सो स्टारवेशन वाली कंडीशन जो है वो क्रिएट हो सकती है अगर हम इन दो प्रोटोकॉल्स को अगर देखा जाए। सो इट्स मीन के प्रैक्टिकली जो है अगर देखा जाए कंप्यूटर जो है कंप्यूटर सिस्टम के अंदर प्रोसेस कैन नॉट डिटरमिन इट नेसेसरी रिसोर्सेज इनिशियली। प्रोसेस जो है वो इनिशियली जो है वो डिटरमिन नहीं कर सकता कि उसको कौन कौन से रिसोर्सेज जो है वो रिक्वायर्ड है। तो बेसिकली प्रैक्टिकली ये जो है पॉसिबल नहीं है, यानी कि क्योंकि प्रोसेस जो है वो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन है, जब वो एग्जीक्यूट होता है CPU पे तो हर इंस्ट्रक्शन जो है उसकी डिमांड होती है मल्टीपल रिसोर्सेज की मल्टीपल टाइम्स पे, तो आप फिक्स नहीं कर सकते उसकी ज़रूरत या रिक्वायरमेंट को बाय द ऑपरेटिंग सिस्टम। तो इस प्रॉब्लम के साथ हम कह सकते हैं कि ये प्रैक्टिकली पॉसिबल ही नहीं है कि एक प्रोसेस जो है वो इनिशियली या स्टार्ट में ही अपने तमाम प्रोसेस जो रिसोर्सेज को रिक्वायर्ड है वो डिक्लेयर कर दे कि ये रिसोर्सेज मुझे इनिशियली रिक्वायर्ड है। तो इट्स मीन कि सेकंड ऑप्शन भी जो है वो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है होल्ड एंड वेट वाली। नो प्रीएम्पशन। थर्ड नेसेसरी कंडीशन फॉर डेडलॉक इज दैट देयर बी नो प्रीएम्पशन ऑफ रिसोर्सेज दैट have already been allocated. To ensure this condition does not hold, we use the following protocol. जी थर्ड कंडीशन जो है बेसिकली उसमें क्या कहा जा रहा है, उसमें ये कहा जा रहा है कि डेडलॉक जो है वो अराइज होती है ड्यू टू फैक्ट दैट
प्रोसेस जो है कैन नॉट स्टॉप, अगर एक दफ़ा वो स्टार्ट हो जाए तो इसका मतलब है कि हम उससे रिसोर्स जो है वो वी कैन वी टेक अवे द रिसोर्स फ्रॉम द प्रोसेस जो के विच इज़ कॉजिंग अ डेड लॉग, देन वी कैन प्रिवेंट द डेड लॉग। इट्स मीन कि एक प्रोसेस जो कि डेड लॉग स्टेट में इंटर हो रहा है और उसने जो प्रोसेस होल्ड किए हुए हैं हम उससे प्रोसेस जो है वो प्रिंट कर लें, फोर्सफुली ले लें। तो ये अप्रोच जो है वो कोई बेहतर अप्रोच नहीं है। वी इफ़ वी टेक आर रिसोर्सेज अवे, हम उससे अगर रिसोर्सेज ले लें उस प्रोसेस से विच इज़ बींग यूज बाई द प्रोसेस, दैन ऑल द वर्क जो उसने काम तमाम का किया होगा विच इट हैज़ डन टिल नाउ कैन बिकम अ इनकन्सिस्टेंट, वो जो है इनकन्सिस्टेंट हो सकता है। यानी कि थर्ड कंडीशन बेसिकली क्या है कि हमने रिसोर्स प्रीएम्प्ट करने हैं, प्रीएम्प्शन ऑफ रिसोर्सेज जो कि उसको पहले एलोकेट किए हुए हैं, जो सिस्टम डेडलॉक में इंटर हो रहा है उससे रिसोर्सेज फोर्सफुली ले लें टू इंश्योर दैट, अब उसके लिए हमारे पास कंडीशन है। लेकिन इनकन्सिस्टेंट क्या होगा, मिसाल के तौर पे फॉर एग्जांपल आप प्रिंटर जो है वो एक प्रोसेस यूज़ कर रहा है और वो प्रिंटर हम उस प्रोसेस से अगर ले लें और उसको किसी दूसरे प्रोसेस को असाइन कर दें, जो इसका मतलब है कि उसका तमाम डाटा जो कि उसने प्रिंट करना था वो बिकम इनकन्सिस्टेंट और इनफेक्टिव। तो ये प्रोसेस जो है जब दोबारा स्टार्ट करेगा कैन नॉट स्टार्ट द प्रिंटिंग अगेन, जहाँ से उसने छोड़ा है वहाँ से वो स्टार्ट नहीं करेगा। इसका मतलब है कि दैट काज द परफॉर्मेंस इनएफिशिएंसी जो कि हम यहाँ पे नो प्रीएम्प्शन के अंदर देखेंगे। तो इस अब हम देखते हैं कि कौन कौन से प्रोटोकॉल्स हैं। सो प्रोटोकॉल जो है वन वो क्या कहता है, इफ़ अ प्रोसेस इज होल्डिंग सम रिसोर्सेज एंड रिक्वेस्ट एंड अदर रिसोर्सेज देयर कैन नॉट बी इमीडिएटली एलोकेट टू इट, that is the process must wait, then all the resources the process is currently hold are preempted, in other words these resources are implicitly released। pehla protocol jo humne dekha read kiya usme एक प्रोसेस जो है अगर उसने रिसोर्सेज होल्ड की हुई हैं और वो रिक्वेस्ट करता है और रिसोर्सेज के लिए जो कि इमीडिएटली अगर उसको एलोकेट नहीं किया तो क्या किया जाएगा, देन ऑल द रिसोर्सेज द प्रोसेस इज करंटली होल्डिंग आर प्रीएम्प्टेड। प्रीएम्प्टेड मीन के उससे वो तमाम रिसोर्सेज जो ऑलरेडी उसने यूज़ कर रहा था वो उससे फोर्सफुली ले लिया जाए। दूसरे लफ्ज़ों में रिसोर्सेज आर इम्प्लिसिटली रिलीज़, उससे फोर्सफुली वॉलंटरी वो रिलीज़ नहीं कर रहा, उसने रिक्वेस्ट की थी वो रिक्वेस्ट उसकी फुलफिल नहीं हुई, उसने ऑलरेडी जो रिसोर्सेज होल्ड किए थे उससे वो रिसोर्सेज भी जो है वो ले लिए जाएँ, दैट इज़ फर्स्ट प्रोटोकॉल। द प्रीएम्प्टेड रिसोर्सेज आर एडेड टू द लिस्ट ऑफ रिसोर्सेज फॉर विच द प्रोसेस इज़ वेटिंग, द प्रोसेस विल बी अ रीस्टार्ट ओनली वन इट कैन regain its old resources as well as the new one that it is requesting। तो preempted resources जो हमने उससे resources जो preempt कर लेंगे वो हम एक list में preempted resources जो है वो add कर दी जाएंगी उन list of resources में जिसके लिए process wait कर रहे हैं। ये वो resources हैं जिनको प्रीएम्प्ट किया गया है, जिनको प्रोसेस से प्रीएम्प्ट करके जो है लिस्ट में ऐड कर दिया गया है ताकि जो दूसरे प्रोसेस हैं वो इन जो वेट कर रहे हैं उनको ये असाइन किया जाए। द प्रोसेस विल बी अ रीस्टार्टेड ओनली, वो प्रोसेस जिससे हमने ये रिसोर्सेज प्रीएम्प्ट किए हैं उसको रीस्टार्ट किया जाएगा और बाद में वो तमाम रिसोर्सेज जो उसको पहले उसने प्रीएम्प्ट किए गए थे उससे लिए गए थे वो और जो उसने नए रिक्वेस्ट किए थे जिसकी वजह से वो डेड लॉक स्टेट में गया था, जो उसने रिक्वेस्ट की थी वो तमाम के तमाम उसको असाइन कर दिए जाएं। सो दैट इज़ प्रोटोकॉल वन। प्रोटोकॉल टू क्या कहता है, अल्टरनेटिवली इफ़ अ प्रोसेस रिक्वेस्ट सम रिसोर्सेज वी फर्स्ट चेक वेदर दे आर अवेलेबल, इफ़ दे आर वी एलोकेट दैम। सेकेंड प्रोटोकॉल क्या है जी, कि प्रोसेस जो है वो रिक्वेस्ट करता है कुछ रिसोर्सेज की, पहले उसको चेक किया जाएगा कि वो अवेलेबल है, फ्री हैं, अगर हैं तो वो उनको दे दिए जाएं उस प्रोसेस को। इफ़ दे आर नॉट वी चेक वेदर दे आर एलोकेटेड सम अदर प्रोसेस दैट इज़ वेटिंग फॉर एडिशनल रिसोर्सेज, और अगर वो फ्री नहीं है तो फिर चेक किया जाएगा कि वो किसी दूसरे रिसोर्स को एलोकेट किया गया जो कि ऑलरेडी वो भी वेटिंग स्टेट में है, जो एडिशनल रिसोर्सेज की उसने कोई रिक्वेस्ट की हुई है और
they are all it is also waiting for some other resources additional resources if so agar aisa hai we preempt the desired resources from the waiting process and allocate them to the requesting process to hum dekhenge ki agar wo process jisne request ki hai aur wo resources jo jiski usne request ki hai wo kisi aur process ke paas hai aur wo process bhi waiting state mein hai to hum usse wo resources preempt karke wo pehle process ko allocate kar denge jisne uski request ki hai so that is another way if the resources are neither available or nor held by waiting process the requesting process must wait ab agar wo resources na to available thi aur na hi wo kisi dusre waiting process ke paas thi then wo jo process ne request kiya usko wait karna padega while it is waiting some of its resources must be a may be a preempted but only if another process request them jab wo wait kar raha hai वो प्रोसेस क्योंकि उसके उसने जो रिक्वेस्ट की थी वो अवेलेबल नहीं है रिसोर्सेज तो उसके पास जो रिसोर्सेज मौजूद थी जो उसने हेल्ड की हुई थी वो प्रीएम्प्ट कर ली जाएंगी उससे फोर्सफुली ली लिए जाएंगी और ये वो रिसोर्सेज हो सकता है किसी दूसरे प्रोसेस को जो है वो असाइन कर दी जाएँ जिसने उसकी रिक्वेस्ट की हुई है यानी कि मीन वाइल वैन इट इज़ वेटिंग जब वो वेट कर रहा था उसके रिसोर्सेज जो है वो प्रीएम्प्ट किए जा सकते हैं और दूसरे प्रोसेस को जो है वो दिए जा सकते हैं अब प्रोसेस कैन बी रीस्टार्ट ओनली व्हेन इट इज़ एलोकेटेड द न्यू रिसोर्सेज इट इज़ रिक्वेस्टिंग एंड रिकवर्स एनी रिसोर्सेज दैट वर प्रीएम्प्टेड व्हाइल इट इज़ वेटिंग तो प्रोसेस जो है वो रीस्टार्ट होगा उसको जो नए रिसोर्सेज जो उसने रिक्वेस्ट किए थे वो उसको एलोकेट कर दिए जाएंगे उसके रिक्वेस्टिंग रिसोर्सेज और रिकवर भी किए जाएंगे जो उससे जो रिसोर्सेज उससे प्रीएम्प्ट किए थे जब वो वेटिंग में था और उसके पास जो रिसोर्सेज अवेलेबल थी और उसे प्रीएम्प्ट करके फोर्सफुली लेके किसी दूसरे प्रोसेस को असाइन किए दिए गए थे वो रिसोर्सेज भी उसको दे दिए जाएंगे और ताकि वो अपना प्रोसेस जो है वो अपनी एग्जीक्यूशन को स्टार्ट करें सो द दिस प्रोटोकॉल इज ऑफन अप्लाइड टू द रिसोर्सेज हुज स्टेट कैन बी ईजिली सेव्ड एंड रिस्टोर्ड लेटर सीपीयू एज ए सीपीयू रजिस्टर्ड एंड मेमोरी स्पेस इट कैन नॉट बी जनरली बी अप्लाइड टू सच रिसोर्सेज सच एज ए म्यूटिक्स लॉक एंड सीमाफोर्स इट्स मीन के ये जो ऊपर जो हमने प्रोटोकॉल स्टडी किया है ये सिर्फ उन रिसोर्सेज के ऊपर इम्प्लीमेंट किया जा सकता है जिनकी स्टेट्स को सेव किया जा सके और बाद में रीस्टोर भी किया जा सके यानी कि उसकी करंट स्टेटस को सेव किया जा सके जैसे जस्ट लाइक हम कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग के अंदर प्रोसेस का जो स्टेट है उसको सेव कर लेते थे और नेक्स्ट टाइम हम देखते थे कि ये कहाँ तक इसकी कंप्लीशन हुई है इसी तरह रिसोर्स की स्टेट जो रिसोर्सेज जिनके स्टेट सेव हो सकते हैं उनके ऊपर ये प्रोटोकॉल जो है वो इम्प्लीमेंट किया जा सकता है जिसमें जस्ट लाइक सीपीयू रजिस्टर और मेमोरी स्पेसेस हैं लेकिन म्यूटेक्स लॉक्स और सीमाफोर्स के ऊपर ये इम्प्लीमेंट नहीं किए जा सकते क्योंकि उनके स्टेट जो है वो हम सेव नहीं कर सकते लास्ट वन कंडीशन जो है तो प्रीएम्प्शन जो है नो प्रीएम्प्शन जो है बेसिकली ये भी हम प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है सो इट्स मीन कि ये तीन जो कंडीशंस अब तक हम जो स्टडी कर चुके हैं उनको प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है कि हम इम्प्लीमेंट कर सकें द फोर्थ एंड फाइनल कंडीशन फॉर डेडलॉक इज़ द सर्कुलर वेट कंडीशन वन वे टू इंश्योर दैट दिस कंडीशन नेवर होल्ड इज टू इम्पोज अ टोटल ऑर्डरिंग ऑफ ऑल रिसोर्स टाइप एंड टू रिक्वायर दैट ईच प्रोसेस रिक्वेस्ट रिसोर्स एज इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ इन्यूमरेशन फोर्थ एंड फाइनल कंडीशन जो डेड लॉक के लिए होती है दैट इज़ सर्कुलर वेट कंडीशन अगर हम मेक श्योर कर लें कि सर्कुलर कंडीशन जो है वो कभी होल्ड ना हो सिस्टम के अंदर तो इट्स मीन कि हम डेड लॉक को प्रिवेंट कर सकते हैं तो वो हम कैसे कर सकते हैं कि सर्कुलर वेट कंडीशन एग्जिस्ट ना करें बाई इम्पोजिंग is to impose order total ordering of all resources of types tamam resource types ki ordering kar dein numbering kar dein to require that the each process request the resource jab bhi process jo hai wo request kare usko resources jo hai wo increasing order mein jo hai wo allocate ki kar diya jaye order wise so it's mean ke that is सर्कुलर वेट एंड कंडीशन थी जिसके अंदर हमने रिसोर्सेज जो हैं उनको
नंबरिंग कर दी, जस्ट लाइक आर वन को रिसोर्स वन कर दिया, आर टू को आर नंबर टू कर दिया और आर थ्री को हमने रिसोर्स नंबर थ्री कर दिया। तो हमने प्रायोरिटी लगा दी, प्रोसेस जो है अगर वो रिक्वेस्ट करता है तो उसको प्रायोरिटी आर वन वाला जो है पहले साइन कर दिया जाए, आर थ्री वाला उसके बाद कर दिया जाए। तो इट्स मीन के प्रोसेस को जो रिक्वेस्ट करेगा तो उसको रिसोर्सेज जो है उस प्रायोरिटी वाइज नंबरिंग वाइज जो है फ्रॉम लोअर टू अपर जो है उसको उसकी रिक्वेस्ट को फुलफिल किया जाए, रिसोर्सेज जो है दैट असाइन द पर्टिकुलर नंबर। सो अब तक हमने जो चार कंडीशन पढ़ी थी उसमें म्यूचुअल एक्सक्लूजन को हमने स्पूलिंग के थ्रू अप्रोच कोशिश की बट इज़ नॉट पॉसिबल इन प्रैक्टिकली। होल्ड एंड वेट कंडीशन, रिक्वेस्ट फॉर ऑल द रिसोर्सेज इनिशियली, हमने देखा कि रिसोर्सेज जो हैं वो प्रोसेस इनिशियली रिक्वेस्ट कर दे तमाम रिसोर्सेज के लिए, तमाम रिसोर्सेज जो उसको रिक्वायर्ड हैं उसकी एग्जीक्यूशन स्टार्ट होने से पहले, तो ये भी पॉसिबल नहीं है प्रैक्टिकली। नो प्रीएम्पशन, यानी कि हम फोर्सफुली स्नैच करके रिसोर्सेज जो हैं वो प्रोसेस से ले लिया जाए, लेकिन ये भी प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। सर्कुलर वेट, असाइन अ प्रायोरिटी टू ईच रिसोर्स एंड ऑर्डर रिसोर्स न्यूमेरिकली, हमने हर रिसोर्स को नंबर असाइन कर दिया, प्रायोरिटी असाइन कर दी और उस नंबरिंग के ऊपर डिपेंड करते हुए प्रोसेस जब रिक्वेस्ट करेगा तो लोअर प्रायोरिटी वाला रिसोर्स जो है उसको पहले एलोकेट किया जाएगा, उससे हायर प्रायोरिटी वाला रिसोर्स जो है उसको बाद में असाइन किया जाएगा। तो इट्स मीन कि इस तरह हम सर्कुलर वेट कंडीशन को जो है वो रिमूव कर सकते हैं। अगर हमने सर्कुलर वेट, ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है, इट्स मीन कि ओनली चार कंडीशंस के अंदर एक कंडीशन जो है सर्कुलर वेट कंडीशन दैट इज़ पॉसिबल, जो कि हम अगर इसको ब्रेक कर दें तो इसका मतलब है डेडलॉक सिचुएशन जो है वो प्रिवेंट हो सकती है। सो इट्स मीन के तमाम जो कंटेम्प्रेरी मॉडर्न ऑपरेटिंग सिस्टम इन्वायरमेंट है वहाँ पे बाकी तीन कंडीशन तो सेटिस्फाइड होंगी बट सर्कुलर वेट कंडीशन जो है उसको हम ब्रेक कर सकते हैं और हम इस तरह सिस्टम को जो है वो डेडलॉक से प्रिवेंट कर सकते हैं। सो दैट इज़ आवर डेडलॉक प्रिवेंशन, जिसमें हमने देखा कि कैसे चार कंडीशंस को जो है हम को जो है रिमूव करें, तो बट चार में से एक जो है वो हम सेटिस्फाइड नहीं होने देते, और अगर वो एक सेटिस्फाइड ना हो कंडीशन तो हम इस तरह डेडलॉक प्रिवेंट कर पाएंगे।